भाग्यलक्ष्मी के अपकमिंग अपडेट में आने वाला है बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट। एक तरफ जहां आयुष बताता है सालू को कि सालू तुम मेरी चुप्पी को क्यों नहीं समझ पाती हो, मेरी साइलेंस को क्यों नहीं समझ पाती हो, और वो अपने फीलिंग्स बता ही रहा होता है तब तक सालू की पैर फिसल जाती है और आयुष एक हीरो के भांति उसको बचा लेता है। वही आगे अगले एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि जहाँ लक्ष्मी और ऋषि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वहीं पर लक्ष्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अपने खोए हुए बच्चों को लेकर के। जहाँ एक बैक सीन दिखाया जाता है, फ्लैश सीन दिखाया जाती है जहाँ पे पहले लक्ष्मी किसी गुंडों से भीड़ गई रहती है, जहाँ गई होती है हॉस्पिटल और रास्ते में उसके कुछ गुंडे आक्रमण कर देते हैं उसके ऊपर, जिसके वजह से वो अपने एक बच्चे रोहन को खो देती है जिसका बच्चा बेटा था। और वहीं पारो किसी झाड़ी में पड़ी रहती है, वो मिल जाती है लक्ष्मी को लेकिन वह रोहन को नहीं बचा पाती है, रोहन को खो देती है। वही मोमेंट बताते हुए ऋषि को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ऋषि अभी भी, लेकिन सीन में ये दिखाया जा रहा है कि ऋषि अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअली लक्ष्मी किस चीज़ को बताना चाह रही है। अब देखिए आगे कहानी में क्या मोड़ आता है जब ऋषि समझता है कि लक्ष्मी का जुड़वा बच्चे हुए थे, एक रोहन था और एक पारो, रोहन को ऋषि लक्ष्मी खो दी है, तो ऋषि कैसे रिएक्ट करता है या फिर क्या सच्चाई पता चल जाती है कि जो ऑलरेडी ओरोवा मेंशन में जिस बच्चे को ऋषि अडॉप्ट करके लाया रहता है, क्या असली में रोहन वही रोहन है जो ऋषि का बच्चा खोया हुआ है ऋषि और लक्ष्मी का। आगे देखिए कहानी में क्या इंटरेस्टिंग मोड़ आता है।